ओके फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल टू सेशन फोर ऑफ पाइन स्क्रिप्ट सीरीज। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कितने तरीके के होते हैं, उनका क्या यूज़ होता है। तो सबसे पहले ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स यूज टू बिल्ड एक्सप्रेशंस रिटर्निंग अ रिजल्ट, यानी कि कुछ सिंबल्स हैं, ये कुछ ऐसे सिंबल हैं जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेशन करते हैं, लॉजिकल ऑपरेशन भी करते हैं और कंपैरिजन ऑपरेशन भी ये करते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल लेकर आपको समझाता हूँ। हम 2+2 करते हैं तो हमारा रिजल्ट आता है इज इक्वल टू 4। ओके, 2+2 = 4, तो हमने 2 को ऐड किया 2 में, उसके बाद हमारा 4 आया। तो ऐड किससे हुआ है, हमारा प्लस साइन से। जो प्लस साइन है दैट इज आवर ऑपरेटर, ठीक है। ऐसे हम 2-2 करेंगे इक्वल टू 0 आएगा। 2 को हमने सब्ट्रैक्ट किया 2 से, इज इक्वल टू 0 आया, तो वो सब्ट्रैक्शन कैसे हुई हमारी, माइनस साइन से। तो जो वो माइनस साइन है, वो जो सिंबल है, दैट इज आवर ऑपरेटर इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, ठीक है। एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। हमारे जो ऑपरेटर्स हैं वो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, हो सकते हैं कंपैरिजन, हो सकते हैं लॉजिकल, हो सकते हैं टर्नरी ऑपरेटर, हिस्ट्री रेफरेंसिंग ऑपरेटर, और इसके अलावा अदर ऑपरेटर्स आर यूज टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स। इज इक्वल टू, जब भी हम कोई अपने वेरिएबल पे कोई वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है, एंड फेयर के सामने वेरिएबल वैल्यू असाइन करते हैं, हम इज इक्वल टू यूज़ करते हैं। और एक हमारे कोलन और इज इक्वल टू हम यूज़ करते हैं, ये रीअसाइनमेंट ऑपरेटर इसको बोलते हैं, ठीक है। हमने पहले भी डिस्कस किया सेशन 3 में, ये डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। पाइन स्क्रिप्ट में हमारे 5 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं, एडिशन, प्लस साइन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मोड्यूलो। मोड्यूलो यानी कि रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन, यानी कि जब आप 5 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो जो रिमाइंडर हमारा 2 होगा, ठीक है, 2 विल बी आवर मोड्यूलो। ये एक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी, हमारे जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। इफ बोथ द ऑपरेंड्स आर नंबर इंटीजर्स, रिजल्ट टाइप विल बी इंटीजर। हमने टाइप डिस्कस किया था, टाइप हमने सेशन 1 में भी डिस्कस किया था, और जो फॉर्म से हमने सेशन 3 में डिस्कस किया था। तो अगर हम बोथ द ऑपरेंड्स, यानी कि 2+ हम 2 करेंगे, जैसे हमने एग्जांपल लिया, तो रिजल्ट टाइप विल बी इंटीजर, ठीक है। यानी कि 2+2 = 4, तो रिजल्ट हमारा इंटीजर होगा, ठीक है। इफ एनीवन इज इंटीजर एंड अदर इज फ्लोट, द टाइप विल फ्लोट, यानी कि अगर हम फ्लोट, यानी कि हमारे जिसके आगे डेसिमल के आगे कोई हमारी वैल्यू होती है, जैसे हम 2+2.1 करेंगे तो रिजल्ट विल भी हमारा 4.1, ठीक है। तो वो जो टाइप होगी हमारी, वो हो जाएगी फ्लोट। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं हमारी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स की। ऐसे ही इफ एनी ऑपरेंड इज एन ए, रिजल्ट विल बी एन ए, ठीक है। कोई भी हमारा ऑपरेंड यानी 2+NA करेंगे तो वो इज इक्वल टू हमारा NA ही होगा, उसका रिजल्ट ऑलवेज बी NA। स्ट्रिंग कनकाटनेशन ओनली पॉसिबल विद प्लस ऑपरेटर। एक ये चीज़ होती है कनकाटनेशन, यानी कि स्ट्रिंग क्या है हमारा, कैरेक्टर्स, जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं वो हमारी स्ट्रिंग होती है। तो इसमें क्या है, जैसे हम एग्जांपल, हमने बियॉन्ड प्लस ट्रेडिंग किया, ठीक है, तो ये हमारा बियॉन्ड ट्रेडिंग करके आ जाएगा, ठीक है। हम जो स्ट्रिंग है इसको भी हम जोड़ सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे बियॉन्ड प्लस ट्रेडिंग, हमने दोनों को जोड़ा है तो बियॉन्ड ट्रेडिंग आ गया, ठीक है। तो हम प्लस के जो हमारा ऑपरेटर है, इससे हम स्ट्रिंग को जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम चार्ट पे भी समझेंगे। चार्ट पे चलते हैं हम। ओके, आप यहाँ देखो फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ। अर्थमेटिक ऑपरेटर, 5 ऑपरेटर्स आर इन पाइन स्क्रिप्ट, जैसे कि हमने अभी उस पर अपनी प्रेजेंटेशन में देखा था। एडिशन एंड स्ट्रिंग कंकाटनेशन, स्ट्रिंग कंकाटनेशन यानी कि दो हम स्ट्रिंग को जोड़ेंगे, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मोडुलो। ओके, एक एक करके हम देख लेते हैं थोड़ा सा। ये सबसे पहले एडिशन का हमारा जो ऑपरेटर है उसका है, हम 2+2 करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 4 आएगा, और वो होगा हमारा कॉन्स्टेंट इंटीजर, ठीक है। कॉन्स्टेंट, हमने टाइप के बारे में और जो फॉर्म्स हैं उनके बारे में हमने सेशन 1 और सेशन 3 में सीखा है, तो वही चीज़ें यहाँ पे, मैं इसको अगर यहाँ पे ले जाऊँगा तो ये मुझे बता देगा टाइप हमारी कॉन्स्टेंट इंट है, ठीक है। इंटीजर है, कॉन्स्टेंट है, क्यों, क्योंकि 2+2 दोनों हमारे इंटीजर्स हैं। ऐसे ही हम इसको 2.0+2.0 करेंगे तो ये हमारा जो हमारी टाइप आएगी और फॉर्म आएगा, कॉन्स्टेंट फ्लोट आएगा। राइट कर्सर हम यहाँ ले जाएंगे तो हमें बता देगा कॉन्स्टेंट फ्लोट, ठीक है। ऐसे ही हम अगर हमारा एक इंटीजर है और एक हमारा फ्लोट है तो हमारा कॉन्स्टेंट फ्लोट ही आएगा, ठीक है। एक भी हमारा वेरिएबल जो है हमारा, वो हमारा अगर फ्लोट होगा तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो हमारा फ्लोट ही आएगा। ऐसी सीरीज के साथ हम जब भी कुछ भी हम करेंगे, सीरीज के साथ हम क्लोज प्लस टू कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि हमने सीरीज, ये जो क्लोज है ये हमारी सीरीज है, सीरीज के साथ हमने इंटीजर किया तो ये हमारा सीरीज फ्लोट आएगा, इसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है।
ओके हम यहाँ पे कर्सर ले जाएंगे तो भी आप देखोगे यहाँ पे टाइप के हमारे सीरीज फ्लोट, ये वही चीज़ें जो हमने डिस्कस की हैं पहले। बेसिकली आप अभी देखो जो हमारे ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेटर्स क्या हैं, जो प्लस साइन है हमारे यहाँ पे, ये हमारा ऑपरेटर्स है। एडिशन, ऐसे स्ट्रिंग कंकाटनेशन यानी कि स्ट्रिंग को जोड़ना, स्ट्रिंग वन हम करते हैं हेलो, स्ट्रिंग टू करते हैं वर्ल्ड, तो इसको हम अगर करेंगे कंकाटनेशन इज इक्वल टू स्ट्रिंग वन प्लस स्ट्रिंग टू, तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड करके यहाँ पे हमें रिजल्ट में दे देगा। ठीक है, स्ट्रिंग कंकाटनेशन यानी कि दो चीज़ों को हमने, दो स्ट्रिंग को हमने जोड़ना, हम जोड़ केवल हम प्लस साइन से सकते हैं, जो हमारा प्लस, ये हमारा जो ऑपरेटर है, जो हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर है, इससे ही हम कर सकते हैं। ओके, ऐसे ही सब्ट्रैक्शन में हम जाएंगे, सब्ट्रैक्शन टू माइनस टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि दोनों हमारे इंटीजर हैं, तो ये हमारा इंटीजर आ जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू हमारा आएगा जीरो यहाँ पे रिजल्ट। ऐसे 2.0 माइनस 2.0, ये भी हमारा जीरो आएगा, बट ये हमारा कॉन्स्ट फ्लोट आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा डेसिमल के आगे यहाँ पे हमारे जीरो है। ठीक है, ऐसी फ्लोट इंटीजर, एक हमारा फ्लोट, एक हमारा इंटीजर है और एक हमारा फ्लोट है, तो ये हमारा कॉन्स्ट फ्लोट ही आएगा। ठीक है, ऐसे हमारा सीरीज में करेंगे क्लोज माइनस टू, तो ये हमारा सीरीज फ्लोट आएगा। सेम ही है ऊपर वाली चीज़ें, बस यहाँ पे हमने जो हमारा ऑपरेटर है सब्ट्रैक्शन वाला, वो हमने यूज़ किया है। डिवीज़न भी सेम है, ये भी हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर है, डिवीज़न टू डिवाइड बाई टू करेंगे हम, तो कॉन्स्टेंट आएगा हमारा। ठीक है, हम इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं, तो कॉन्स्टेंट आएगा। ऐसे हम फ्लोट में करेंगे, तो फ्लोट में हमारा ये कॉन्स्ट फ्लोट आएगा। ठीक है, सीरीज में करेंगे तो हमारा सीरीज फ्लोट आएगा। ओके, आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। मॉडुलर मैंने जैसे आपको बताया, आपको ये होता है हमारा रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन। ठीक है, फाइव को मैं थ्री से करूँगा तो जो मॉडुलर विल बी टू, टू से मैं टू को अगर डिवाइड करूँगा तो हमारा रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब हमारा जीरो आएगा। ऐसे ही 2.0 यानी कि मैं फ्लोट से फ्लोट को करूँगा तो कॉन्स्टेंट फ्लोट यहाँ आएगा रिजल्ट में। ठीक है, ऐसे ही मैं अगर हमारा जो इंटीजर है, इंटीजर को मैं फ्लोट से करूँगा तो भी हमारा फ्लोट ही आएगा। ठीक है, तो बेसिकली आपने ये जो हमारे चार पाँच हमारे जो अर्थमेटिक हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ये सिंपल हैं। इसमें ये चार पांच जो भी मैंने आपको बता दिए, मॉडुलर थोड़ा सा डिफरेंट चीज़ होगी, कोई प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट है। ये हमारा रिमाइंडर होता है आफ्टर डिवीजन, ये आपने ध्यान रखना है। बाकी ये तो हमारे सिंपल हैं अर्थमेटिक, इसके बाद हम और भी जो ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में आपसे। थैंक यू फ्रेंड्स।